हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ ने टांडा मेडिकल कॉलेज में 13 एनएसथीसिया की पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स की एमसीआई से परमिशन न मिलना सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही माना है। संघ के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि संघ पहले भी सरकार से अनुरोध करता आया है कि एमसीआई के साथ सरकार जो ये लुका छुपी का खेल निरीक्षण किस में खेलती है वह अच्छी बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ ने टांडा मेडिकल कॉलेज में 13 एनएसथीसिया की पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स को एमसीआई से परमिशन न मिलना सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही माना है। संघ के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि संघ पहले भी सरकार से अनुरोध करता आया है कि एमसीआई के साथ सरकार जो ये लुका छुपी का खेल निरीक्षण किस में खेलती है वह अच्छी बात नहीं है और उसका खामियाजा आज 13 एनएसथीसिया की पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स को खो देने से प्रदेश के डॉक्टरों को भुगतना पड़ रहा है। संघ ने पहले ही समेज मई पर सरकार को सलाह दी थी कि मेडिकल कॉलेजों में भर्ती के नियमों को एमसीआई की तर्ज पर रखा जाए, जैसे कि एमसीआई की शर्तों के हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एसआरशिप केवल 1 साल की जरूरी होती है, जबकि हमारी सरकार 3 साल की एसआरशिप मांगती है, जिसकी वजह से बहुत से काबिल चिकित्सक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती होने से रह रहे हैं और कॉलेजों में फैकल्टी की कमी हो रही है, जिसको सरकार आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज को स्थापित फैकल्टी से निरीक्षण के समय तबादले करके पूरा करना चाहती है। यही वजह रही कि टांडा मेडिकल कॉलेज में प्रदेश को 13 पीजी की सीट से हाथ धोना पड़ा। हालात ये है कि एक तरफ सरकार 27 सीनियर रेजिडेंट की पोस्ट एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में निकाल रही है तो दूसरी तरफ 13 पीजी सीटों से हाथ धोना पड़ रहा है। तो जब पीजी ही नहीं करेंगे तो डॉक्टर एनेस्थीसिया में तो एसआर कहां से मिलेंगे एनेस्थीसिया में। इसी तरह संघ ने सरकार को डीएम और एमसीएच सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्स के लिए शर्तों को नरम बनाने की सलाह दी है ताकि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकें। एक तरफ तो सरकार एम्स दिल्ली से डॉक्टर बुलाकर आईजीएमसी में किडनी ट्रांसप्लांट करवाकर अपनी पीठ थपथपा रही है और दूसरी तरफ नौजवान युवा डॉक्टर को एमसीएच और डीएमए में एनओसी देने की शर्तों को कड़ा कर रही है, जिसकी वजह से डॉक्टर सुपर स्पेशलिस्ट नहीं बन पा रहे हैं। सरकार को पीठ तो तब थपथपानी चाहिए जब हमारे युवा डॉक्टर डीएम और एमसीएच बनकर आए और वे यहाँ आकर किडनी ट्रांसप्लांट जैसे जटिल ऑपरेशन करें, और ये तभी संभव है जब युवा अवस्था में डॉक्टर को डीएम और एमसीएच करने के लिए एनओसी दी जाए। मुद्दा ये है कि हमने पहले भी सरकार को बहुत बार कहा था कि ये जो एमसीआई की इंस्पेक्शन के टाइम जो डॉक्टरों को इधर से उधर किया जाता है, तो इसके लिए जो फैकल्टी जो है वो एक निश्चित फैकल्टी होनी चाहिए, जो कि तभी हो सकती है जबकि ये जो भर्ती नियम है हमारे उनमें थोड़ी एमसीआई के अकॉर्डिंग उनको किया जाए। जैसे एसआरशिप जो है एपी बनने के लिए वो एमसीआई की जो गाइडलाइंस के हिसाब से है वो 1 साल है, जबकि हमारे यहाँ इसको 3 साल लिया जाता है, तो उसकी वजह से ऐसे होता है कि नई फैकल्टी नहीं मिल पाती। फिर जब एमसीआई की इंस्पेक्शन है तो इधर से उधर जो है वो डॉक्टरों को भगाया जाता है, चंबा मेडिकल कॉलेज वालों को, नाहन वालों को चंबा, टांडा वालों को मंडी, नाहन हमीरपुर भेजा। तो ये उसकी की वजह रही कि ये 13 पीजी की जो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की जो टांडा मेडिकल कॉलेज की जो सीट्स थी वो हमारे हाथ से चली गई। तो अब आप खुद ही सोचिए कि एक तरफ तो सरकार एसआरशिप की जो 27 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेजेस में वो निकाल रही है और दूसरी तरफ आपके हाथ से 13 पोस्ट ग्रेजुएशन की जो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की सीट्स हैं वो चली जाती हैं। तो संघ हमेशा पहले भी सलाह देता रहा, लेकिन हमारी सलाह को माना नहीं जाता, हमारी सलाह को ऐसे काउंट किया जाता है कि कोई पाकिस्तानी लोग जो हैं वो आके यहाँ पे सलाह दे रहे हैं। हमने बहुत बार कहा, इस बार भी हम कह रहे हैं कि डीएम और एमसीएच के लिए हमारे बच्चों को जो जाने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो शर्तें हैं उनमें ढिलाई बरती जाए, 4 साल की जो पोस्ट एमडी की जो शर्त है उसको कम किया जाए ताकि हमें सुपर स्पेशलिस्ट जो हिमाचल प्रदेश के लिए जरूरी हैं वो मिले। एक तरफ तो सरकार आईजीएमसी में किडनी ट्रांसप्लांट एम्स के डॉक्टरों को लाके कर रही है, फिर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो उस पीठ को थपथपाने से बढ़िया है कि अपने खुद के हमारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हों, तो वो तभी बनेंगे जब उनको हम टाइमली उनको जो है एनओसी देंगे और वहां पे उनको ये सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्स